आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। बड़ी खबर बगहा पुलिस जिले के रामनगर से आ रही है, जहां पुलिस ने बंदूक बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। वही पुलिस ने छापेमारी के बाद मौके से दो अर्धनिर्मित कट्टा, चाकू तथा बंदूक बनाने की अन्य सामग्री भी बरामद किया है। दरअसल पूरा मामला बगहा पुलिस जिले के रामनगर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले एक व्यक्ति को भी नौगावा गांव से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान रविंद्र शर्मा के रूप में की गई है। हालांकि यह पूरी खबर मठिया मुखिया नुरैन अंसारी गोलीकांड से संबंधित बताई जा रही है, जिससे पुलिस ने कांड संख्या 422/22 के मुख्य आरोपी राजू खान को 6 सितंबर को पुलिस ने 24 घंटे का रिमांड पर लाया गया था, जिसमें हत्या का प्रयास करने वाला हथियार बेचने वाले को बताया और पुलिस ने छापेमारी कर उसके घर से बरामद की है तथा साथ में उसे भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वही पुलिस की माने तो अभी कई जगहों पर छापेमारी जारी है। हालांकि मिनी गन फैक्ट्री मिलने की चर्चा जोरों पर है। क्या हत्याकांड का आरोपी सर रिमांड पे आया था, क्या जानकारी मिली? दिनांक 26/8/22 को नारायणपुर मोहल्ला में मठिया के मुखिया नुरैन अंसारी को दो अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। इसमें एक का पहचान उस समय हुआ था, राजू खान नाम के व्यक्ति का, जिसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसे पुलिस रिमांड पर लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना दोष स्वीकार किया तथा उस कांड में संलिप्त अपने दो सहयोगियों का नाम भी बताया है और उसके निशानदेही पर नवगावा में रविंदर शर्मा के घर पर छापेमारी, दुकान पर छापेमारी की गई। ये लोहा का सामान बनाते हैं, इनके दुकान से दो अर्धनिर्मित पिस्तौल बनाने का सामान, बैरल वगैरह जो भी उपकरण होता है, हथियार होता है, वो सब बरामद किया गया है और रविंदर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राजू खान जो पुलिस पर रिमांड पर लिया गया था, उसने बताया कि इन्हीं के दुकान, इन्हीं के यहां से दो पिस्तौल घटना को अंजाम देने के लिए 10,000 रुपये में क्रय किया गया था। जिस पिस्तौल जो पिस्तौल इन्हीं के दुकान से लिया गया था और उसमें से घटना के बाद मुखिया नुरैन अंसारी जी के बैठका में ही गिर गया था, उसे घटना के बाद ही बरामद कर लिया था। उस संबंध में पहले केस कर दी गई है और एक मिनी गन फैक्ट्री, छोटा सा मिनी गन फैक्ट्री का ये उद्भेदन हुआ है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका कार्रवाई कर कहाँ चलता था सर ये मिनी गन? नौगांवा में। नौगांवा में